अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो रियली सॉरी, काफ़ी देर बाद मैं वीडियो बनाने लगा हूँ, तो ये वीडियो भी एक्चुअली समझ ले के शॉर्ट कोर्स ही हो गया किस्म का। जितनी जल्दी हो सके मैं इसको कवर करने की कोशिश करूँगा विद इन 10 to 15 मिनट्स, एंड इट्स अबाउट टू टिकटॉक शॉप ड्रॉप शिपिंग। ओके, और ये वीडियो पब्लिक नहीं होने वाली, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों को जाएगी जो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे थे ड्रॉप शिपिंग कैसे की जाए। ड्रॉप शिपिंग की कोई थोड़ी सी डिटेल वीडियो में हमें वीडियो बना के भेज दी। मैं स्पेशल भाइयों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मे बी इन फ्यूचर कभी मैं इसको पब्लिश कर दूँ, लेकिन अभी मेरा कोई इरादा नहीं है। ओके, तो ये मेरी शॉप है जिस शॉप के ऊपर मैं सिर्फ टेस्टिंग करता हूँ, मतलब कोई प्रोडक्ट टेस्टिंग की है, कोई ब्रांड को टेस्ट किया, उसके ऑर्डर अच्छे आ रहे हैं, देन मैं इसको अपनी दूसरी शॉप्स के ऊपर ले जाता हूँ। दिस शॉप इज़ ओनली फॉर टेस्टिंग, तो ये आप लोगों को भी मैं शो करवा रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लास्ट 7 डेज़ के लिए तकरीब आलमोस्ट 1300, ठीक है, ये तकरीबन 1700 था सुबह, जैसे दिन चेंज हुआ ये कम हुए हैं। लास्ट 7 डेज़ के हिसाब से ये तकरीबन 1300 है, तो 12K विजिटर्स हैं। तो ये मेरे टेस्टिंग का ड्रॉप शिपिंग स्टोर है ये। इसके अंदर 5-6 ऑर्डर जो थे FBM के थे, और उन्हीं 5-6 ऑर्डर्स की वजह से ये मेरा लेट डिस्पैच रेट आप देख रहे होंगे ज़्यादा हुआ है। और टू बी होनेस्ट, ड्रॉप शिपिंग का एक भी ऑर्डर मेरा लेट डिस्पैच रेट में नहीं गया, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम ट्रैकिंग को कैसे हैंडल करेंगे, इट्स क्वाइट ईजी, ठीक है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। चलें, सारा टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि हम अपने मुद्दे पे आते हैं। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग बेसिकली जैसे हम अमेज़ोन जो करते हैं उनके लिए, तो प्रोडक्ट हंटिंग तो थोड़ी इजी होने वाली है, तो मैं इसमें थोड़ा सा प्रोडक्ट हंटिंग को टच दूंगा। और जो बिल्कुल न्यू है उनके लिए, जो आप लोगों को मैंने PL के लिए UK में आपको मेथड बताया, आप उस तरफ जाइएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, अमेज़ोन के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर हम जो हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं वो हम नीड बेस करते हैं, जो प्रोडक्ट नीड होती है, ठीक है ना। लेकिन जो है टिकटॉक शॉप, ये डिज़ायर बेस या वाओ बेस प्रोडक्ट इसके ऊपर सेल होती हैं, जिसको देख के आप कहें यार हाँ मेरे पास भी ये प्रोडक्ट होना चाहिए, चलो यार लेते हैं इसको, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हो, कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसको देख के वाओ फैक्टर हमें शो होता हो, एंड जस्ट लाइक इन शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, जैसा कि हम अपने शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के अंदर सर्चिंग करने के लिए करते हैं, ठीक है। इसके अंदर प्रोडक्ट हंटिंग का बैज ने ऐसे करनी है। तो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए सिंपल हम अमेज़ोन ही यूज़ करेंगे, अमेज़ोन एंड ईबे। अच्छा, आप ड्रॉप शिपिंग के लिए टीमो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टीमो यूज़ करने के लिए आपने एक तो पेड शिपिंग चूज़ करनी है इसकी, जैसा कि दिस वन, ठीक है। और इसमें ऐसी प्रोडक्ट ना कीजिएगा, थोड़ी महंगी प्रोडक्ट कीजिएगा ताकि शिपिंग और सारा कुछ अंदर इंक्लूड हो जाए। हाँ, और टीमो ऑर्डर कैंसिल करते हैं, मेरे भी ऑर्डर कैंसिल किए हैं ड्रॉप शिपिंग के, तो मैंने फिर उनको इन लॉस में अमेज़ोन के अंदर प्रोसेस किया था, ये तो आपको ऑर्डर शो हो जाएंगे। तो टीमो के अंदर आपने पेड के साथ करेंगे तो उसको थोड़ी हिस्ट्री बना लेनी है आपने, एक ही ड्रेस पे बार बार प्रोडक्ट बेच के आपने अपना कोई 3PL कर लें यूज़, या आप कुछ भी यूज़ करके उसको एक ड्रेस पे बेचें, थोड़ी हिस्ट्री बनाएं, कुछ प्रोडक्ट के रिव्यूज़ दें, एंड देन कुछ प्रोडक्ट बाय करें ड्रॉप शिपिंग के लिए, और उसके अंदर कुछ आप अपनी प्रोडक्ट 3PL भी बेच दें अपने पर्सनल ड्रेस के ऊपर। तो ऐसे इसकी थोड़ी हिस्ट्री बनाएं, अकाउंट अपना बनाएं, और उसकी जो आप ड्रॉप शिपिंग करें ये शिपिंग के साथ करें, शिपिंग बेस आप कस्टमर से ले लीजिएगा, तो ये चल सकता है, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग एक ये चीज़ भी है कि आप अमेज़ोन पे जाने से पहले, क्योंकि अमेज़ोन तो डिज़ायर बेस है, सॉरी अमेज़ोन पे जो बेस्ट सेलर होते हैं वो तो दूसरे हिसाब से होते हैं, वो अब टिकटॉक पे बिकने वाले नहीं होते, तो थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए आप टिकटॉक पे बेस्ट सेलर्स के अंदर आप आ सकते हैं, टीमू के बेस्ट सेलर के अंदर, ठीक है। इधर से बेस्ट सेलिंग का थोड़ा सा आप आइडिया ले सकते हैं किस किस्म की प्रोडक्ट बेस्ट सेल्स हैं, ठीक है, तो देन आप उनको टिकटॉक शॉप के ऊपर सेल कर सकते हैं। अब ये वाली प्रोडक्ट तकरीबन $200 से $250 की अमेज़ोन के ऊपर सेल हो रही है, जो अमेज़ोन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं वो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, फ्री का प्रोडक्ट है अमेज़ोन के लिए, ठीक हो गया। अच्छा, ऐसी तो प्रोडक्ट जो हैं जिसके अंदर थोड़ी इलेक्ट्रिशियन यूज़ होती है, इलेक्ट्रिक यूज़ होती है, ये शिप जो है प्रोडक्ट नहीं लगने देता टिकटॉक, ठीक है, सर्टिफिकेशन मांगता है जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं होती। हाँ, अगर आप किसी सेलर से बात करके वो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर लें एंड देन आप उसको अपलोड करें, फिर आप इजी हो सकता है, थोड़ी मेहनत है लेकिन आपको इसका पे बैक भी अच्छा मिलेगा। जैसा कि ये बड़ी होल सेल प्रोडक्ट है, हम इसको देख लेते हैं, ठीक है।
ये तकरीबन 4 डॉलर से, चार टार चोर कह रहा हूँ, 4 डॉलर की तकरीबन, राउंड अबाउट 5 डॉलर की, और 12 डॉलर की इसके अंदर शिपिंग डालें तो इधर से ये महंगी पड़ जाएगी। इससे बेहतर फिर हम इसको करते हैं अमेजोन पे चले जाते हैं, ठीक है। अमेजोन से प्रोडक्ट ढूंढने से बेहतर है आप टीमूज पे जाएँ, कोई होल सेल प्रोडक्ट ढूंढें उसको, फिर अमेजोन में लोवेस्ट जो अमेजोन पे बंदा सेल कर रहा है वो करें। अमेजोन पे भी कोशिश करना है आपने प्राइम सेलर को उठाना है, ठीक है, किसी भी यारे गारे नथु गारे को नहीं उठा लेना आपने। ये 19 की बेच रहा है, हमें 15, 16, 17 तकरीबन इस रेट में कोई मिले तो फिर बेहतर है। ओके, ये 18 डॉलर की है, इसको प्रीवियसली व्यूड, मैंने इसको पहले भी व्यू किया हुआ है। ओके, और देख लेते हैं जी, और देख लेते हैं। अच्छा, अब देखें, अब आप इधर हम फिल्टर भी लगा सकते हैं, इधर से मिनी या मैक्सिमम प्राइस हमें इतने डॉलर वाली शो हो, और इधर से हम लो टू हाई भी कर सकते हैं, इससे हमारा टाइम ज़ाया होता है टिकटॉक के ऊपर। देखें, अब ये देखें 5 5 डॉलर की हमें शो हो रही होंगी, ये सारा क्लिक बेट वाला सीन है इनकी। ये स्ट्रॉ बेच रहा होगा, ये ढक्कन बेच रहा होगा, ये भी स्ट्रॉ बेच रहा है, तो एक्चुअल प्रोडक्ट ये नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ प्राइस लो चेक करवा के ये हमें अंदर कम प्राइस वाला वेरिएशन डाल के हमें ये सिर्फ क्लिक ले रहे हैं अपनी लिस्टिंग्स के ऊपर, ठीक है। या साइज़ छोटा होगा, जैसे इसका साइज़ छोटा है, साइज़ छोटा है लेकिन ओजी में ये ज़्यादा है, तो ये तो नहीं चाहिए हमें, सेम तकरीबन ऐसा प्रोडक्ट चाहिए। ये उठाया है, ओके, परचेज़ अगस्त 11, ओके 12, कल परचेज़ की है किसी लड़के ने की होगी आई थिंक, ये सेल हो रही होगी मेरे पास भी ऑलरेडी है। चलें, ये अप्लाई कोपन 2 डॉलर्स के ऊपर कोपन है, ऐसे लड़का भी यही प्राइम यूज़ करता है तो वो सर्चिंग में आ गया होगा। तो ये डॉलर का कोपन लगने के बाद हमारे पास तकरीबन ये 16 17 डॉलर की हमें ये मिल जाएगी, ठीक है। 16 17 डॉलर की लेके अब हम इसको सेल कितने की करेंगे, क्वेश्चन इज। अच्छा, एक चीज़ और भी, आप ड्रॉप शिपिंग टेस्टिंग के लिए करें, ठीक है, उसके बाद आप उसको पीएल भी कर सकते हैं, उसका स्टॉक भी उठा सकते हैं। अब ये देखें, तकरीबन हमें 17 डॉलर की मिल रही है और 24.99 की हम सेल करें तो हमें 2.90, अगर हम इतने की भी ना करें, हम करते हैं अभी 21.99 की सेल करते हैं, ये हमारा प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल है। हम 21 की तकरीबन 22 डॉलर की ये सेल कर सकते हैं, हमें सेल आनी अच्छी भली स्टार्ट हो जाएगी। 29 डॉलर प्राइस लगाएं, प्रमोशन लगाएं, उसको 22 डॉलर में सेल करें, ठीक है, तो आपकी सेल स्टार्ट हो जाएगी। तो अब इधर ये देखिए, मैं टिकटॉक फ़ी जो मैंने बैकएंड पे फार्मूला लगा हुआ है वो 15% का लगा हुआ है। अब 15% तो है नहीं, ये क्यों लगाया मैंने, 5% मैंने टिकटॉक का एक्चुअल जो फीस है आफ्टर 3 मंथ, और 15% जो मैंने ऑलरेडी फार्मूला लगाया हुआ है वो मैंने क्रिएटर्स के लिए लगाया हुआ है, ताकि इन फ्यूचर अगर किसी क्रिएटर को हमने कोई आ जाता है या ऑटोमेटिकली कोई लगाता है तो उसको 15% जो हम ओपन प्लान रखते हैं उसके अंदर भी 15% रखते हैं, तो ये हमारा सारा इसी कॉस्ट के अंदर से इंक्लूड हो जाए। अब देखें, जो आपको बगैर क्रिएटर के ओरिजिनल जो आपको कॉस्ट आएगी ना, ओरिजिनल जो प्रॉफिट आएगा जो विदाउट क्रिएटर आपकी सेल होगी, यानी कि ऑर्गेनिक सेल होगी, उसमें आपको 22% मार्जिन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सीन है, आपने टेस्टिंग के लिए कर सकते हैं, हम ये प्रोडक्ट उठाएं आप जैसे ही इसमें प्रॉफिट आ जाए, सॉरी 25% कर दिया, 20% करना था, जैसे ही प्रॉफिट, ये देखिए इतने पे आप सेल करें, जैसे इसकी सेल आनी स्टार्ट हो जाए आप टीमू से या कहीं और से इसका स्टॉक उठा लें सिंपल। अगर लॉन्ग टर्म ड्रॉप शिपिंग करनी है तो थोड़ी सी हाई प्राइस पे सेल कर लें, ठीक है। अब देखें कि आप इसको कर लें 22 23 की कर लें, आप इस पे आप कर लें सेल, ठीक है, प्रॉफिट ड्रॉप शिपिंग, क्योंकि जो हाई लेवल की ड्रॉप शिपिंग होती है हम उसको बल्क की नज़र में देखते हैं, मतलब अगर 100 डेली के 100 ऑर्डर भी आते हैं तो तकरीबन 150 डॉलर प्रॉफिट बनता है हमारा, मंथ का कितनी गेम बनती है ये चीज़ हमने देखनी होती है, हमने एक ऑर्डर्स को नहीं देखना होता क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट जो स्टॉप करनी पड़ी थी। अच्छा, वैसा है कि टिकटॉक के ऊपर जो वीडियोज़ आपने डालनी होती है, आप अक्सर क्वेश्चन आता है कि हम वीडियोज़ कहाँ से लें, आप ये देखें ये वीडियो आपके पास आ रही है, ठीक है, किसी कस्टमर ने इनको दी हुई है, तो आप सिंपल यहाँ से डाउनलोड करके यही वीडियो यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर थोड़ी सी एडिटिंग भी कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिनके फर्स्ट इमेज के बाद एक इमेज शो हो रही होती है, एक वीडियो शो हो रही है, तो वो भी डाउनलोड करके लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सीन है, ये आपने ऐसे हंटिंग कर लेनी है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे हंटिंग। चलें, बाकी सिंपल लिस्टिंग का तो आपको पता होगा, मे बी लेटर करते हैं इसको, लिस्टिंग कैसे करनी है, अगर नहीं पता तो आप मेरी यूके वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट नेक्स्ट,
मेन चीज़ है ऑर्गेनिक, आपको ऑर्डर जो आएंगे वो बिल्कुल कम आएंगे। आपने एफिलिएट मार्केटिंग तो लाजमन करनी है, लाजमन लाजमन करनी है, ठीक है। अब एफिलिएट मार्केटिंग के दो तरीके हैं। अब जो अच्छा जो भी प्रोडक्ट आपने लिस्ट करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रमोशन में जाके आपने प्रमोशन टूल में जाके क्रिएट प्रमोशन करनी है। आपने एक चीज़ आपने अगर $24 की बेचनी है, आपने उसकी प्राइस $29 रखनी है, फिर उसको 24 प्रमोशन लगा के 24 करना है। ये काम आपने लाजमी करना है। और हर प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद आपने एफिलिएट मार्केटिंग में जाके ओपन प्लान के अंदर जाके उसका प्लान भी लाजमी क्रिएट करना है। 15% 20% जितना आप करना चाहते हैं करें, ठीक है। अब ये देखें व्यू मोर, आई वॉन्ट टू शो यू गाइज समथिंग। आल्स के अंदर आते हैं। अब ये देखें, इसके अंदर जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा सेलर्स को मैं जो सैंपल सेंड कर चुका हूँ, ठीक है, कुछ को मैंने रिजेक्ट भी किया है, कुछ को सेंड भी किया है, दो शिप में 5 कॉन्टेंट जो मेरे पेंडिंग के अंदर है, मतलब जिनको रिसेंटली डिलीवर हुई है, उन्होंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई, और काफ़ी ज़्यादा मेरे कंप्लीट के अंदर हैं, कुछ कैंसिल भी हैं। कैंसिल डेफिनेटली वो हैं जो मैंने जिनको मैंने रिजेक्ट किया है, ठीक है। अब रिजेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया, हर एक का अपना क्राइटेरिया है, ठीक है। अब ये देखें, मैंने इसमें से काफ़ी हैं 1 मिलियन वाले भी थे जिनको मैंने रिजेक्ट किया है, जिनकी सेल ही नहीं थी, पूरे मंथ के अंदर सेल ही कोई नहीं थी, लेकिन आपने कभी भी जब आपको रिक्वेस्ट रिव्यू आई तो देखें सैम्पल टू रिव्यू भी एक रिव्यू का ऑप्शन था, आई थिंक मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो जब भी आया आपको इधर सेल वॉल्यूम, ये देखें लास्ट 30 डेज़ का सेल वॉल्यूम शो हो रहा होता है, तो ये आपने चलो वो आपको एक्सटेंशन शो हो रही थी, तो वो आपने लाजमी देखना है। जो मेरा क्राइटेरिया है, मैं तो 2 से $3,000 उसकी सेल देखता हूँ, देन उसको एक्सेप्ट करता हूँ। आप कम भी कर सकते हैं, 1,000 रुपये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ऐसे क्रिएटर को चूज़ करना है। अब क्रिएटर का जो एक ट्रिक जो है जो मैंने यूज़ किया, थोड़ा मेहनत वाला काम है लेकिन करें, आप टारगेट प्लान बना लें। चले मैं टारगेट प्लान ओपन करूँगा, आपको शो होगा। ओके, प्रोडक्ट शो नहीं हो रही, खैर है इनकी, खैर। अब ये देखें 27+ मैंने ऐड किए हुए हैं, इसके अंदर भी 27+ ऐड किए हुए हैं। ये जो मैंने इसके अंदर मैंने ट्रिक लगाई थी वो मेरे काफ़ी काम आई है। अच्छा, ट्रिक क्या है, आपने 500 फास्ट डाटा टूल ओपन कर लेना, उसकी एक दिन की सब्सक्रिप्शन लें या हफ्ते की सब्सक्रिप्शन ले लें, एक दिन की तो फ्री है, यूज़ कर लेनी है। अब जैसे आपका प्रोडक्ट का कीवर्ड ये था, ठीक है, उसके ऊपर ये प्रोडक्ट सर्च कर लेनी है। अब जिस बंदे मैंने ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट सेल की है, जिस टिकटॉक शॉप ने सेल की है, उस शॉप को आपने खोल लेना है फाइव डाटा, ठीक है, फास्ट डाटा के अंदर। आप चाहते हैं उसकी वीडियो बनाऊं, मैं उसकी भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जस्ट कमेंट कर दीजिएगा आप। आपको मैं ओवरऑल समझा रहा हूँ, समझदार लोग हैं आप, माशाल्लाह समझ आएंगे। अब उस प्रोडक्ट के अंदर जाके जितने भी क्रिएटर्स ने इस प्रोडक्ट के रिलेटेड वीडियो बनाई होगी, आपने क्रिएटर्स को वन बाय वन ओपन कर लेना है। जिस क्रिएटर के अच्छे ऑर्डर आए हैं, 10 ऑर्डर भी आए हैं, उनकी एक शीट बना लेनी है। या शीट बना लें आप, शीट बनाने से बेहतर ये है कि आप ऐड टारगेट प्लान कर दें। ऐड करेंगे देखें आप, ये आपके पीएल के भी काम आएगा, ड्रॉप शिपिंग के भी काम आएगा। अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें जो उसके रिलेटेड प्रोडक्ट है। अबे क्या नज़र आ गया, मैं जितना चाह रहा हूँ एडिट ना करनी पड़े वीडियो, उतनी ही एडिट करनी पड़ेगी। खैर, जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना। अब उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जितने भी क्रिएटर्स ने वीडियो बनाई हुई हैं ऑलरेडी, उनको ले सेल आई हुई है, आपने उन क्रिएटर्स को विदाउट एनी मैसेज सेंड किए उस प्लान के अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। प्लान के अंदर ऐड करने का फ़ायदा ये हो जाएगा, उनको डायरेक्ट नोटिफिकेशन जाएगा। आपने जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 20% 15% लाजमी रखना है आपने, ठीक है, कमीशन जो है उनको नोटिफिकेशन जाएगा। एज़ कम्पेयर टू आप 20 लोगों को आप टारगेट करते हैं ना पर वीक, ऐसे ही 20 लोगों का आप ये बनाएं, टारगेट करने वाले 20 और जो आपने प्लान बनाया होगा, इन 20 की रेशियो का ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। टारगेट करने वाले 20 में से आपको बड़ी मुश्किल से एक बंदा रिप्लाई करेगा, लेकिन आपने जो ये प्लान बनाया होगा ना, इसके अंदर से आपको 2 से 3 लोग ईजीली अप्रोच कर लेंगे आपके व्हाट्सएप के ऊपर, या डायरेक्ट आपको सैम्पल रिक्वेस्ट भेज देंगे। इवन के मेरा एक इन दोनों में से एक में ऐसा भी था, एक दो क्रिएटर्स ने विदाउट मैसेज किए, कुछ भी किए, मेरे से प्रोडक्ट ख़रीदा भी या उसकी वीडियो भी बनाई है, मतलब मुझे फ्री में सैंपल भी नहीं भेजना पड़ा, ठीक है। ये ट्रिक आप लाजमी आजमाएं, ये काफ़ी काम दे रही है, ठीक है। बाकी फ्री सैंपल देने से घबराना नहीं है, सबसे पहले पाकिस्तानियों, ये चीज़ आपकी एफिलिएट मार्केटिंग में हेल्प आएगी ये ट्रिक, ठीक है। लाजमी करके देखिएगा, फिर मुझे आप अपने रिजल्ट बताइएगा।
और क्या है ड्रॉप शिपिंग में सबसे मेन चीज़ जो मेरे जहन में सवाल आते हैं, पूछते हैं जो लोग, सबसे मेन चीज़ ट्रैकिंग कैसे हैंडल करेंगे ब्रो? आप जो प्राइम की है ट्रैकिंग वो यूज़ करें, अमेजोन लॉजिस्टिक्स यूज़ करके आप उसको करें, अपलोड करें, कुछ भी इशू नहीं होता, ठीक है? थोड़ी अपडेट लेट होती है लेकिन कुछ भी नहीं होता, इजीली काम होता है। और सेकेंडली जो आपने शिपिंग प्लान है, शिपिंग में अंदर जाके शिपिंग टेम्पलेट्स में आपने जाके जो है शिप बाय टिकटॉक को आपने प्रेफर से रिमूव करके शिप बाय सेलर को प्रेफर्ड पे ले आना है, ठीक है? ये आपने सेटिंग लिस्टिंग करने से पहले कर लेनी है। उसके बाद मेन चीज़ ड्रॉप शिपिंग का जो पॉइंट है, हाँ, बड़ी ब्रांड्स को आपने ड्रॉप शिप नहीं करना। अगेन अगर आपने ऐसा कोई टेस्टिंग वाला अकाउंट है जैसे ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, आप यूज़ करें। या एक चीज़ और भी कर सकते हैं आप, प्रोडक्ट एड न्यू प्रोडक्ट, लेट मी टेल यू समथिंग, ये तो नहीं, हम इसमें जाते हैं जी, बेस्ट सेलर्स में जाते हैं। बेस्ट सेलर्स में जाने के बाद ये वाला हम सिरम उठा लेते हैं, समझ लें। अब आपने ये प्रोडक्ट टिकटॉक पे सेल करने से पहले ना, ये जो ओरिजिनल ब्रांड है ना, ये है बहुत सेल किया ये भी। अच्छा, अब आपने इसके अंदर प्रोडक्ट का टाइटल डालना है। टाइटल डालने के बाद चल यार रिफ्रेश करने दे, मुझे आ गया था। चलें, हैर अच्छा, इधर आपने टाइटल डालना है। कैटेगरी ऑटो क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहा, मैं तो इस चीज़ से हैरान हूँ यार। या कुछ भी हमने ये चूज़ कर लिया है, कैटेगरी ऑटो सेलेक्ट होने के बाद हमने ब्रांड सर्च कर लेना है, ठीक है? ये देखिए, ये ब्रांड ऑलरेडी टिकटॉक के अंदर है, ठीक है? तो हम इसको अवॉइड करेंगे सेल करने के लिए, एक चीज़ ये है। दूसरी, अब हम अवॉइड नहीं करेंगे, ठीक है? हम सिंपल अपने टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर, इमेजेस के अंदर में इस लफ्ज़ के जितने भी आपको कीवर्ड आएंगे ना, आपने उसको रिमूव कर देना है, ठीक है? अब इमेजेस के अंदर भी आपने रिमूव करना है, ये रहा। इसको कैसे रिमूव करेंगे आप? अब इसमें भी दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो आप इसके ऊपर ब्लर ऑप्शन यूज़ कर लें, ठीक है, उससे आपका रिमूव हो जाएगा, और सेकेंडली आप इसको ऐसे ही सेल करें। लेकिन टिकटॉक पे लिस्ट तो हो जाएगी, टिकटॉक इशू भी नहीं करेगा, लेकिन टिकटॉक के ऊपर वायलेशन आएगी आपके ऊपर। जब आपकी थोड़ी सी सेल्स ज़्यादा होगी, टिकटॉक मैनुअली या एआई के थ्रू रीचेक करता है, ठीक है? अगर ब्रांड की ऑथराइजेशन ना हो तो टिकटॉक लिस्टिंग को फ्रीज़ कर देता है, ठीक है? तो ये आपको इशू होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले ही उसका सोल्यूशन निकालें, इसको हाइड कर लें, कोई नाम यूज़ ना करें, अच्छी तरह एडिटिंग वशीटिंग करके देन यूज़ करें, ठीक है? थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन लॉन्ग टर्म होगा, लेकिन उस पर सेल भी थोड़ी कम हो सकती है क्योंकि थोड़ा ब्लर होगा तो कस्टमर का थोड़ा इशू होगा। या दूसरा ऑप्शन ये है, आप उसको सेल करें जब तक सेल होती है, जब सेल नहीं होती तो उसको रिमूव करें, नई लिस्टिंग कर दें। फ्रीज़ होने के बाद है, रिमूव तो नहीं होगी लेकिन एक वायलेशन आ जाएगी। ये अब आप पर डिपेंड करता है, आप थोड़ा रिस्की किस्म के बंदे हैं या पहले पेपर वर्क करके, होमवर्क करके काम करने वाले बंदे हैं, ठीक है? आज का तो फ़िलहाल तो कोई ऑर्डर नहीं आया, थोड़े लेट ही आते हैं ऑर्डर, रात को ही आते हैं। टैक्स इन्फॉर्मेशन बाद में कर लेंगे भाई वेरीफाई, इतनी क्या जल्दी है? ओके, तो ये सीन है ड्रॉप शिपिंग का, आपने कर लेना चेक, लाजमी करना है ड्रॉप शिपिंग करें। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है ड्रॉप शिपिंग के रिलेटेड तो आपने मुझे बता देना है, और मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। एक चीज़ एक मैं भूल गया, आपने लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ लाजमी करना है, ठीक है? लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ किए बगैर आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर स्टार्ट आने नहीं होंगे। लिस्टिंग को ऑप्टिमाइजेशन आपने कम से कम भी 90% अबव तो उसको लेकर जाना ही है, ठीक है?
90% अबव लेके जाने के लिए मैं आपको मेन मेन चीज़ बता देता हूँ क्या करना है। टाइटल तो अच्छा होगा, ये भी ऑटोमेटिक आ जाती है। ब्रांड नो ब्रांड करने, कोई ब्रांड लगा दें। मेन इमेज, सिर्फ एक इमेज को आपने 1200x1200 मेन इमेज को आपने ये रखना है, बाकी जैसी मर्जी हो डजेंट मैटर, आपका स्कोर अप हो जाएगा। ठीक है, अब 1200x1200 करने का क्या मकसद, मतलब कैसे करेंगे आप? सिंपल कैनवा पे जाएँ, कस्टम डिज़ाइन बनाएं, कस्टम को 12x12 का रखें, उस पिक्चर को पकड़ें, उसके अंदर अपलोड करें, उसके अंदर फिट कर दें कैनवा में। ठीक है, ये आपकी 1200x1200 की वजह। दूसरी, वीडियो को लाजमी अपलोड करें। वीडियो करने से तो आपकी 100% पे चले जाएगी ना, जिसकी वीडियो चली गई है। वीडियो नहीं है तो खैर नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाए, डिस्क्रिप्शन आपने उठा लेनी है, उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट अमेज़ोन से उठाना है, वहाँ से डिस्क्रिप्शन उठाई पेस्ट कर दी। ठीक है, थोड़ी सी एडिटिंग शीटिंग करनी है तो कर लें आप, चैट जीटीपी जिंदाबाद, क्विल बोर्ड जिंदाबाद। और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने एक या दो इमेजेस लाजमी यूज़ करनी है। ठीक है, इससे भी आपका स्कोर 5 to 6 point अप होता है। ठीक है, सेल इन्फॉर्मेशन आपने जो कैटेगरी वो है, क्या बोलते हैं उसको, वेरिएशन है, वेरिएशन के अंदर EAN EAIN जो नंबर होता है, UPC के अगेंस्ट जो नंबर होता है, आपने वो लाजमी देना है। उससे भी आपकी जो सेल है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है, और आपकी जो सजेशन, ये आपकी ऑप्टिमाइजेशन है, ये 90% जाने में आपको हेल्प करता है। ये चीज़ आपने पॉइंट लाजमी याद रखने हैं। और एक चीज़ आपने सब्र लाजमी करना है। आप कुछ लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं, भाई मुझे हफ़्ता हो गया, मैंने इतनी ज़्यादा लिस्टिंग की है, मुझे अभी तक ऑर्डर कोई नहीं आया। यार मतलब क्या, हफ़्ते के अंदर ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएगा। आप यकीन करें, जो मेरी आजकल प्रोडक्ट चल रही है ना, ये दो प्रोडक्ट चल रही हैं, तो ये मैंने महीना पहले लिस्टिंग की थी, एक मंथ पहले, एक से भी खैर ज़्यादा हो गया है मेरे ख्याल से। तो अब आके उनके ऑर्डर आना स्टार्ट हुए, फ़िलहाल तो ऑर्गेनिक आ रहे हैं जितने भी आ रहे हैं, क्योंकि एफिलिएटर को मैंने अभी दोबारा वीडियो दोबारा सैंपल सेंड किए हैं। पुराने वालों की वीडियोस काफ़ी नीचे चली गई थी, पता आप, आपके ऑर्डर नहीं आते बाद में। ये सीन है, थोड़ा सब्र रखें तो हम्बल करें। ये अमेज़ोन नहीं है, एक प्रोडक्ट लिस्ट की है तो आपको 10-10, 20-20 हज़ार डॉलर की सेल आ जाएगी। ठीक है, ये थोड़े की पॉइंट्स हैं ड्रॉप शिपिंग के। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है जो क्विक लर्नर हैं उनके लिए। बाकी जो भाई लोग पूछ पूछ के करने वाले हैं उनके लिए माजरत है, वो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। आप कोई चूज़ कर लें, कोई फिज़िकल ऑफिस में जाएं, वहाँ पे इंटर्नशिप कर लें, आपके लिए बेस्ट रहेगा। जो क्विक लर्नर है उनके लिए तो मेरे ख्याल से ये वीडियो मोर देन इनफ होगी। और बेसिकली भाई लोग, अगर मेरी थोड़ी सी भी इज्जत करते हो तो बराए मेहरबानी फेक ट्रैकिंग यूज़ ना कीजिएगा, डर्टी बिजनेस ना कीजिएगा, हराम की तरफ ना जाइएगा, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग बदनाम इसी वजह से है, लोग इसके ऊपर डर्टी बिजनेस करते हैं, फेक ट्रैकिंग लगाते हैं। मेरे मैसेज क्या आ रहे होते हैं, क्या हम गेटमोर की ट्रैकिंग लगा सकते हैं, क्या हम ओए जीनियस की ट्रैकिंग लगा सकते हैं, मतलब काम स्टार्ट हुआ नहीं है पहले, शॉर्टकट्स की तरफ पहले ही भागते हैं। बंदों की तरह ड्रॉप शिपिंग करो, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल है। अब जो लोग बुरा कहते हैं उन्होंने तो बुरा बोलना ही है, इन गंदे अंडों की वजह से जो पहली शॉर्टकट के चक्करों में होते हैं, हम किसी तरह से फेक ट्रैकिंग लें, दो नंबर काम करें, बला बला बला। तो ऐसे काम नहीं करने हैं आपने, बंदों की तरह काम करना है आपने, कल कब्र में भी जाना है, उसका हिसाब भी देना है। तो बेहतर यही है अभी इंसान वाले काम करें, ताकि कल को कोई मुश्किल पेश ना आए। बाकी बहुत सारा शुक्रिया, मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़िएगा, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब बेशक ना कीजिएगा, एक दफ़ा तो शीफ लाजमी पढ़ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।